सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए ट्रॉली विच इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए। अब ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन बार बार आप किए भी होंगे। एक ट्रॉली है, अब इस ट्रॉली जो है वो इस तरह से राइट इधर राइट साइड ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, बराबर है। अब इस ट्रॉली में मैं एक सिंपल पेंडुलम लटका दूं, यहां से ये सिंपल पेंडुलम लटका दूं और एक्सेलरेट कर रही है, तो पेंडुलम ऐसे आएगा, कुछ वर्टिकल से थीटा डिग्री पर आएगा सूडो फोर्स की वजह से। जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो, मतलब वेलोसिटी कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, तो थीटा जीरो होगा, मतलब पेंडुलम सीधा रहेगा। अगर इसके पास ट्रॉली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब, या तो रेस्ट में है तो, बट अभी एक्सेलरेशन है तो इस पे सूडो फोर्स एम में इधर काम करने लगेगा और इस पे एक और फोर्स लगेगा एम जी इधर लगेगा। मैं इसके फ्रेम से देखता हूँ, ट्रॉली के फ्रेम से देखूँ तो मुझे एरेस्ट में नजर आएगा, क्योंकि जो एम ए है और एम जी है इसका रिजल्टेंट टेंशन बैलेंस कर लेगा, कुछ फिक्स थीटा पे आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन फिक्स है। तो इफेक्टिव जी कितना आ जाएगा भाई, अगर ये सीधा रहता तो टाइम पीरियड में इसका लिख सकता था इसके फ्रेंड 2πL/g, लेकिन ये वर्टिकल नहीं है, अब यहाँ जी बदल जाएगा, जी डैश हो जाएगा, और इफेक्टिव जी डैश मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो इधर एक्सेलरेशन ए है इधर एक्सेलरेशन जी है, तो इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली बात आ गई। तो ये ले जाके यहाँ रख दोगे तो जी की वैल्यू पूछा है, तो टाइम पीरियड इतना है इस फ्रेम में, तो जी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, तो ए स्क्वायर जी स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन सही है। अब देखो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इफेक्टिव जी जी के बराबर है, और जब जी के बराबर होगा तो ये वर्टिकल से थीटा जीरो डिग्री पर स्टैंड होगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे जैसे जैसे ए बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे थीटा बढ़ेगी। ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वाली थीटा बढ़ेगा। चलो, ए बॉडी